अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन पेपर एम सी के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं काशिफ अली। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ़ायदेमंद है जिन्होंने पंजाब पुलिस PSP और SPU में अप्लाई किया है और टेस्ट के मुतलक बहुत ही परेशान है कि टेस्ट इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो ये दो सवाल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की इस मुख्तसर वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि जो पेपर होता है वो इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है। प्यारे दोस्तों, पहले 2015 से पहले पहले जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर उर्दू मीडियम हैं, उर्दू में हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये जदीद दौर आ रहा है 2015 के बाद 16, 17, 18 ये पेपर इंग्लिश में हो रहे हैं। इवन के मैट्रिक लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं तो इंग्लिश में नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी उर्दू में नहीं हो रहा है, इंग्लिश में पेपर हो रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये उर्दू में पेपर होते हैं। उर्दू का सब्जेक्ट हो गया और इस्लामियात का, ये दो सब्जेक्ट हैं। इनमें उर्दू के MCQs उर्दू में आते हैं और इस्लामियात के भी उर्दू में आते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं मैथ, IQ लेवल और इंग्लिश, इनके जितने भी MCQs आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। उम्मीद है कि आपका ये एक सवाल तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल ये है कि ये पंजाब पुलिस का जो होता है रिटर्न टेस्ट, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो बात करते हैं हम कि नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC के अदारा है उसमें टेस्ट दें तो वो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसी तरह से ये पंजाब पुलिस का PHP और SPU का जो रिटर्न टेस्ट होता है इसमें बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपने 100 नंबर का पेपर है, 100 में से आपने 60 नंबर यानी कि 60 MCQ राइट सॉल्व किए हैं तो आपके 60 के 60 नंबर मिलेंगे। किसी भी तरह की कोई कटौती यानी कि नंबर नहीं काटे जाएंगे। जितने आप लोग MCQs सही करोगे उतने ही नंबर आप लोगों को मिलेंगे। किसी भी तरह की कोई भी मनफी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपके दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।